हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज दुल्हन आई है हमारे घर में। शादी वाली ब्लॉग की सीरीज़ चल रही है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों, मैं तैयार हूँ, जा रही हूँ दुल्हन को हमारी वेलकम करने। तो यहाँ पे मैं जब वहाँ पे पहुँची ना, भैया के घर पे, जी जी के घर पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी दुल्हन उतर चुकी थी और कोहबर जो होता है वहाँ की भी सारी रस्में हो गई थी। तो उसके बाद सब फ़ोटो सेशन करा रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा अपना एक रील शूट कर लिया और फ़ोटो वोटो ले ली दुल्हन के साथ में। तो ये देखिए हमारी बहूरानी है, कितनी क्यूट और प्यारी लग रही है ना। तो चलिए, और हम लोग चाची सास बन गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और दुल्हन को आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट लग रही है। तो चलिए, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं दुल्हन के साथ में और फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे ध्रुवी को बिठा के थोड़ा सा फ़ोटो ले लिया, एक बता दिया, उसको परिचय करा दिया कि भाई ये तुम्हारी छोटी ननद है। तो यहाँ पे देखिए ननद भाभी बैठी हुई हैं और ध्रुवी कैसे चुपचाप बैठी हुई है। तो यहाँ पे मेरी भाभी जेठानी जी आ गई हैं पानी लेके अपनी नई नवेली बहू के लिए, और यहाँ पे उनको मतलब अभी आई है उतर के, तो फिर अपने घर से तो प्यास तो लगी होगी रास्ते में, तो वही पानी वानी पिला रहे हैं। तो हम लोग बाहर आ गए हैं रूम से और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मेरी गोदी में है मेरी सिस्टर इन लॉ की बेबी, और तो हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं और ध्रुवी की आंखों में कुछ जलन सा हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा धुआं हुआ लग रहा होगा। सो यही सब हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों को कैसा लग रहा है ब्लॉग सीरीज़ ये? तो आज हमारे घर में दुल्हन आ चुकी है और यहाँ पे मम्मी जी नहीं आ पाई हैं दोस्तों, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई है। और हम लोग कल रात बारात गए थे तभी मम्मी की हल्की हल्की तबीयत ख़राब हो रही थी, और उसके बाद वो सुबह हम लोग सुबह से उनकी तबीयत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो हम लोग यहाँ से जब घर पे पहुँचे थे भाभी के घर से, तो वहाँ पे मम्मी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो पांडे जी आए बारात से और सीधे मम्मी को लेके हॉस्पिटल चले गए, और बड़ी दीदी भी साथ में गई और ननद मेरी और मम्मी भी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे की वीडियो है, तो मम्मी रात से ही हॉस्पिटल में है। तो रात को फिर वहाँ पे उन लोग के लिए डिनर वगैरह बना के भेजा था, पांडी जी के लिए, दीदी के लिए और मम्मी के लिए। और मम्मी को वहाँ पे ट्रिप वगैरह चढ़ रही है। एक्चुअली मम्मी का शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, 450 पहुँच गया है। आप समझ सकते हो 500 पहुँचता है तो इंसुलिन लगने लगता है बंदे को। मम्मी का 450 हो गया और कभी पता भी नहीं चला हम लोग को, अचानक से ही बढ़ गया। और वहाँ पर जाके टेस्ट हुआ पहली बार, तो पता चला कि 450 शुगर हो गई उनकी, तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मम्मी को ड्रिप वगैरह चढ़ रही है और इंसुलिन वगैरह की इंजेक्शन जो है ड्रिप में वो चढ़ रही है। तो अभी मम्मी हॉस्पिटल में है, आज एकादशी का व्रत है, तो मैं फिर फलाहारी बना के, दीदी व्रत रहेंगी तो वहीं हॉस्पिटल में है, तो दीदी के लिए फलाहारी पैक करके भेजूंगी, और पापा जी भी व्रत हैं तो उनको भी फलाहारी दे दूँगी। तो वही आलू मूँगफली मखाने बना रही हूँ, और फिर उसके बाद शाम को फिर मम्मी पांडे जी के लिए और मम्मी के लिए खाना भी बना के भेजना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।